बिहार के पूर्णिया में बाराती को लगी गोली। आपको बता दें, बारात से घर लौटने के दौरान बोलेरो गाड़ी पर सवार व्यक्ति को लग गई गोली और गंभीर हालत में उन्हें पूर्णिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें, पूर्णिया में बारात से घर लौटने के दौरान गोली लगने से एक 40 वर्षीय व्यक्ति घायल है, जिसका इलाज पूर्णिया GMCH में चल रहा है। बता दें कि पूर्णिया जिले के नगर थाना क्षेत्र के गोकुलपुर वार्ड संख्या 11 में यह घटना घटी है। बताया जा रहा है कि शादी के बाद विदाई रस्म अदा की जा रही थी। बारात घर लौटने के दौरान बोलेरो गाड़ी पर सभी लोग निकलने ही वाले थे, इसी दौरान अज्ञात युवक ने बोलेरो गाड़ी पर गोली चला दी। गोली घायल व्यक्ति के सर में फंसी हुई है, जिसे हायर हॉस्पिटल रेफर किया गया है। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आपस जा रहे थे घर, वही गाड़ी में बैठे हुए थे। पीछे से बहुत आदमी था, औरत था, हम लोग गाड़ी में से बैठे हुए, पीछे से गोली कौन गोली मारा, देखे थे क्या? हम लोग नहीं देखे, जब तक उनको पकड़ लेते हैं। कहाँ पे गोली मारा? गाड़ी मामला ये था सर, हम लोग बस हम लोग का रिश्तेदारी था, मतलब अपना परिवार ही था। आप लोग सब लोग गए शादी करने, शादी उदी सब हो गया। शादी होने के बाद खाना पीना सब खा लिया, उसके बाद शाम में जब बिदागरी होने के टाइम में लड़का वाला गाड़ी पीछे था और अगला गाड़ी जो उसमें बैठा था, जो जिसका गोली लगा जिसको, वो आगे था। मतलब पीछे वाला गाड़ी आगे गया, उसके बाद वो जो गाड़ी पीछे रहा ना, उसके बाद वो पीछे से शूट किया या आगे में बैठा था, उसको गोली लग गया। कोई देखा नहीं कि कहाँ से गोली चली? गोली पीछे से चली है, पीछे से शीशा फट के उसका दिमाग में गोली लगा। जब से वो सबसे आगे में बैठा था वो, फिर भी उसको गोली लग गया आगे। इसके साथ मानने की घटना हुई है, क्या नाम है उसका? उसका अब्दुल जब्बार है। शादी किन के यहाँ थी? शादी मतलब पोता का शादी था, मतलब हम भतीजा, हमारा भतीजा का शादी था, उसका पोता लगेगा, हमारा चाचा है वो। शादी कहाँ पर था? ये गोखलपुर में शादी था। कहाँ से आए थे बारात? बाराती मगुरजान से आए थे हम लोग, मगुरजान से आए। तो वहाँ पे कुछ अभी तक पता नहीं चला? अभी तक तो कुछ पता जानकारी नहीं मिला है, फिलहाल इसी में हम लोग निमटे हुए हैं। ये काम होगा जब तो आगे कुछ सोचेंगे। बता दें कि घायल की पहचान बी कोठी थाना के मुकरजान गांव निवासी अब्दुल जब्बार 40 वर्षीय ग्रुप में की गई है। घटना के बारे में घायल के भाई बिचन मियां ने बताया कि मुकरजान गांव निवासी मोहम्मद इजराइल के पुत्र का शादी गोकुलपुर निवासी मोहम्मद मुस्लिम के छोटी बेटी से था। शादी समारोह में शामिल होने के लिए गांव वालों के साथ अब्दुल जब्बार भी आया था। इसी दौरान शादी खत्म होने के बाद सपरिवार घर लौटा था। बता दें कि घर लौटने के दौरान बोलेरो गाड़ी पर जैसे ही बैठा था, अज्ञात युवक ने गोली बोलेरो गाड़ी पर चला दिया। बताया जा रहा है कि गोली बच्चे के हाथ में लगते हुए मोहम्मद जब्बार के सर में लग गया। सर में गोली लगने के बाद आनन फानन में घायल इलाज के लिए GMCH में भर्ती कराया गया, जहां सर में गोली लगने से अब्दुल जब्बार की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बता दें कि सूचना पर K नगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जांच पड़ताल कर रही है। घटना के बाद लड़के के परिजन घर छोड़कर फरार है। पूर्णिया GMCH के डॉक्टरों ने बताया कि गोली लगने से अब्दुल जब्बार की स्थिति गंभीर है, गोली सर में फंसी हुई है, हायर हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। पुलिस घटना की जानकारी के बाद घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लोगों ने बताया कि गोली चलने का कारण प्रेम प्रसंग हो सकता है। बहरहाल शादी में गोली चलने की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और पुलिस मामले की छानबीन में जुट चुकी है। पूर्णिया से राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटो कॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पर आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।